भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं खबरों की तरफ, आपको बताते हैं आज किस वीडियो में क्या क्या खबरें लगी हुई है। सबसे पहले बीनू बहन आती हैं अमेठी से, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है जो आप देख रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी से मुद्दे पर, जो कि है पोषण ट्रैकर। और इस पर जब भी काम नहीं होता है तो काफी बहनें लाखों की संख्या में परेशान होती हैं, क्योंकि उनका कहीं कहीं किस किस राज्य में जो है पीएलआई भी बाधित रहता है। तो ऐसे में अगर काम नहीं होगा तो पीएलआई जनरेट नहीं होगा। तो भाषा को अगर आप अपना इंग्लिश में उसमें कर लेंगी तो आपके बहुत सारे जो काम हैं वो होने लग जाएंगे। इन दिनों कई एरर आपको पोषण ट्रैकर पर देखने को मिल रही होंगी, तो उन एरर से बचने के लिए आपको क्या करना है, अगर मान लीजिएगा कोई भी कार्य नहीं हो रहा तो आप एक बार कोशिश करना कि अपने पोषण ट्रैकर की जो लैंग्वेज अगर आपने हिंदी कर रखी है तो उसको अंग्रेजी कर लें, उसके बाद में काम करने की कोशिश करें, वो काम आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा लगता है कि पोषण ट्रैकर को हिंदी में डेवलप किया जा रहा है, उसमें सुधार किए जा रहे हैं, जिसके चलते उसको वो और बेटर अच्छे कैसे नहीं कर पा रहे हैं। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक जो है ऐप में या हर कहीं पर भी आसानी से फिट हो जाती है और अच्छे से उस पर कार्य हो जाते हैं, लेकिन हिंदी वहीं पर थोड़ा मुश्किल प्रतीत होती है। फिलहाल के लिए इतना जो है मुश्किल भी नहीं है, अगर किसी अच्छे डेवलपर को पोस्टर ट्रैकर हायर किया जाए तो वो लोग उस पर काम मुझे लगता है ज्यादा बेटर ढंग से करेंगे, जो कि मौजूदा समय में कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन यहां पर एरर होने की वजह से काम करना मुश्किल हो रहा है और जिसके चलते पीएलआई जनरेट होने में बहनों को प्रॉब्लम आ रही है। इधर हम बात करते हैं अगली एक जानकारी पर, तो यहां पर हम आपको बताने वाले हैं जिला जो आपके कार्यक्रम अधिकारी हैं कहां के, मैनपुरी जिले के, और वो हैं आपकी ज्योति साक्य जी हैं। और इन्होंने एक ये लेटर अपने मैनपुरी में शाखा प्रबंधक जो हैं एचडीएफसी बैंक वाले उनको भेजा है। तो आइए देखते हैं 16 तारीख के अपने इस आदेश में उन्होंने बैंक में क्या कहा है। तो डीपीओ जो आपके मैनपुरी के, उन्होंने लेटर भेजा शाखा प्रबंधक जो है एचडीएफसी बैंक वाले जो कचहरी रोड मैनपुरी के हैं उनको। उसमें उन्होंने कहा है कि कृपया अवगत कराना है कि निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या जो कि यहां पर 17/12/2019 की है, एवं जिलाधिकारी महोदय जो मैनपुरी के हैं उनके कार्यालय की पत्र संख्या जो कि 23/6/2018 की है, इसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत धनराशि भेजी जाती है। जनपद मैनपुरी में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकारी योजनाओं के संचालन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मातृ समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके संयुक्त खाते यानी कि ज्वाइंट अकाउंट जो होते हैं वो भी जीरो बैलेंस वाले यानी शून्य धनराशि वाले उन पर खोले जाने हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं मातृ समिति अध्यक्ष के संयुक्त खाते जीरो बैलेंस यानी शून्य धनराशि पर खोलने का कष्ट करें। तो यहां पर जो है यहां पर डीपीओ ज्योति साक्य जी जो कि कहा की हैं जो है मैनपुरी की, तो अब उन्होंने अपने वहां शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक कचहरी रोड मैनपुरी को भेजा और कहा है कि जीरो बैलेंस वाले खाते आंगनबाड़ी बहन के और उनके साथ में मातृ समिति के अध्यक्ष के ज्वाइंट खाते जीरो बैलेंस पर खोलने जो है और वो भी किसके अकॉर्डिंग खोलने के लिए बोला जा रहा, 17/12/2019 का एक जो लेटर था उसके अकॉर्डिंग और एक 23/6/2018 का लेटर था उसके अकॉर्डिंग। तो इतने पुराने मैटरों को लेकर के देखिएगा अब यहां पर संज्ञान लिया जा रहा है, जो कि एक आप समझ सकते हैं किस लेवल पर काम हमारे बाल विकास विभाग में होता है, जो ये खाते जाने कब लेटर निकला था और जाने कब खुलने थे और उसके अकॉर्डिंग अब इन पर चर्चा होना आखिर क्या कारण बनता है। आप सब यही कहेंगे लापरवाही एकमात्र कारण है। इधर हम बात करते हैं मिथिलेश बहन जो की है मुरादाबाद से आती हैं और उन्होंने यहां पर अपने वहां से एक ये जो है पोस्ट भेजी है। इस पोस्ट के मुताबिक आप सबको पता होना चाहिए 17 अगस्त तक आपने झंडा फहरा लिया, इसके बाद जो है 17 तारीख को सूर्यास्त से पहले हमने आपको बहुत पहले भी बताया था नियम के अकॉर्डिंग आपको अपने अपने झंडे जो है सम्मान पूर्वक उतार लेने हैं और सुरक्षित स्थान पर रख लेना है। उसी से जुड़ा हुआ मैटर है कि आज के बाद सम्मान से उतार लेंगे तिरंगा,
तो डीएम का यह वहां पर आदेश भी था कि हर घर तिरंगा योजना के अंतर्गत जिले में जो भी सभी लोग हैं वो अपने घरों पर तिरंगा जिन्होंने फहराया है इसकी अवधि 13 से 17 अगस्त रखी गई है। तो डीएम ने लोगों से अपील की है कि 17 अगस्त के बाद राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक उतार लें। और डीएम सूर्यपाल गंगवार उन्होंने कहा है कि राष्ट्र ध्वज को उतार करके सहज करके रख लें, यदि किसी को रखने में अगर कठिनाई है तो सरकारी कार्यालय में उसको जमा करवा सकते हैं। तो जो भी लोग हैं अगर जो है मान लीजिएगा रखने में उनको दिक्कत लग रही है ठीक, तो वो अपना सरकारी कार्यालय में भी जमा करवा सकते हैं तिरंगे को। अब हम बात करते हैं जैसे कि बहन है अर्चना आजमगढ़ से आती है, उन्होंने के फोटो भेजी है, बाकी अब सब भाई बहनों जो भी हो चुकी फोटो आपने अच्छे तरीके से तिरंगा कार्यक्रम सबने मनाया है। तो अब 19 तारीख आज हो चुकी है तो अब मुझे लगता है अब आगे की जो आपकी खबरें हैं उनको स्टार्ट करना चाहिए। अब आपने 7 दिन तक बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को मना लिया है तो अब उन पुरानी वाली फोटो को बार बार ना दोहराएं। सुषमा बहन है जो कि आती है बागपत से और बागपत में आपको बता दें कि पंचायत सहायक पर कार्रवाई की बहनों ने वहां पर मांग को उठाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने बुधवार को कोतवाली में पहुंच करके वहां प्रदर्शन किया है और तहरीर देख करके कार्रवाई करने की वहां पर बहनों ने मांग की है। मैटर क्या है उसको आप लोग सुनेंगे तो अचंभे रह जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती समेत 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी वहां पर पहले दर्ज हुआ था और ये धलवाड़ी का झंडा प्रकरण का मैटर था। जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध की जाएगी कार्रवाई। एक तरफ तो ऐसा मैटर चल रहा है वहीं दूसरी तरफ कोतवाली पर आंगनबाड़ी बहनें पहुंची हैं और धलवाड़ी गांव में कार्यकर्ती पर लगाया झंडा फाड़ने के आरोप को बहनों ने झूठा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर झंडा फाड़ने का झूठा आरोप लगाया गया जिसके चलते कार्यकर्ता बहनों ने कोतवाली पर पहुंच करके वहां पर अपना ज्ञापन वगैरह सौंपा है। आइए इस मैटर को गंभीरता से लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि बहनों के साथ में आखिरकार क्या जो है षड्यंत्र वहां पर किए जा रहे हैं। लिखा है कार्यकर्ती ने बुधवार को कोतवाली में पहुंच करके प्रदर्शन किया और धलवाड़ी गांव के पंचायत सहायक पर कार्यकर्ती के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कोतवाली में तहरीर देकर के कार्रवाई करने की मांग करते हुए जो है यहां पर लगाए गए झंडा फाड़ने के आरोप को भी झूठा बताया है। कोतवाली पर पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुषमा गुर्जर, राकेश देवी, रचना शर्मा, सुनीता, सुषमा शर्मा ये सब बहनें वहां पर, उन्होंने बताया कि धलवाड़ी गांव की कार्यकर्ती यहां पर जो भी है शायद ये आपका गमन देवी है जो कि 13 अगस्त को पंचायत घर में टीकाकरण करने के लिए गई थी ताकि जो है 5 वर्ष के बच्चों को समय से टीका लगा सके। बताया है कि जब वह पंचायत घर में पहुंची तो पंचायत सहायक ने उसके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी तो विरोध करने पर मारपीट करते हुए उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। साथ ही उसको धमकी दी गई थी कि यदि वह वहां से नहीं गई तो उसकी हत्या कर दी जाएगी और उसको यहां नौकरी नहीं करने दी जाएगी। बताया है कि उन्होंने पंचायत सहायक पर कार्रवाई के लिए तहरीर दी थी लेकिन आज तक भी ना तो रिपोर्ट दर्ज की गई और ना ही मेडिकल उनका करवाया गया। साथ ही उन पर झंडा फाड़ने का झूठा आरोप भी मढ़ दिया गया है और उन्होंने यहां पर सीओ व कोतवाल को तहरीर देकर के यहां पर जो इसके बारे में कार्रवाई करने की मामले की जो निष्पक्ष जांच करने पर वहां पर बोला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है और फिलहाल के लिए ऐसा सब मैटर हुआ और यहां पर रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई कार्यकर्ता की, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि पंचायत सहायक और उनके जो भी रहनुमा होंगे वहां के क्षेत्र के लोकल के अब वो उनको कैसे बचा रहे हैं और कैसे रिपोर्ट तक दर्ज करने नहीं दी गई। और ये है हमारे आज का प्रशासन जो यहां पर महिलाओं की आवाज को उठाने से भी रोकता है और उनकी आवाज को दबाया जाता है। कार्यकर्ता अगर जाती है कुछ भी तो वो कुछ होता नहीं है, ना ही जांच कराई गई और उनका मेडिकल चेकअप भी नहीं कराया गया। जो भी वहां पर हुआ मेडिकल चेकअप होने के बाद सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता क्योंकि अगर मारपीट हुई थी तो वहां पर फिंगरप्रिंट तो आसानी से उनके ऊपर मिल ही जाते, लेकिन ये सब ना करना प्रशासन के ऊपर उनकी मनसा पर भी सवाल खड़ा करता है और इस मामले में जो भी यहां पर हो रहा है गड़बड़ उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। तो फिलहाल के लिए इधर इन लोगों का क्या कहना है, इनका यहां पर बागपत में कहना है कोतवाली क्षेत्र के गांव धलवाड़ी में करीब 5 दिन पूर्व झंडा वितरण के दौरान कुछ ग्रामीणों के पंचायत सहायक के साथ मारपीट कर दी थी। पंचायत सहायक ने आरोपियों पर तिरंगा फाड़ने का भी आरोप लगाया था और उसने आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी थी और इसकी तहरीर ले ली गई लेकिन कार्यकर्ता के साथ जो हुआ उसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं, ना रिपोर्ट लिखी गई ना तो जो है वहां पर उनका मेडिकल चेकअप हुआ। आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना होने पर मंगलवार को ग्राम प्रधानों ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया था और पुलिस पर आरोपियों को दबाव का उन्होंने प्रयत्न जो है यहां पर अपना प्रयास करने का आरोप लगाया। इस
संबंध में प्रधानों ने यहां पर एसपी के उनको जो एक प्रार्थना पत्र देते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। एसपी के निर्देश पर पंचायत सहायक को तहरीर के आधार पर कोतवाली में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है समय 7 लोगों के विरुद्ध मारपीट करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं में मुकदमा वहां पर दर्ज करवा दिया। कोतवाली प्रभारी का आरोप है कि झंडा फाड़े जाने का आरोप निराधार पाया गया है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी, जांच के बाद भी आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उधर धलवाड़ी के पंचायत सहायक अजय कुमार के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पंचायत सचिव ने उसे गांव तिरंगे बांटने के लिए वहां पर दिए थे और वह गत 10 अगस्त से गांव में तिरंगे वितरित कर रहा था। उसका आरोप है कि गत शनिवार को वह पंचायत सहायक में झंडे बांट रहा था और इसी दौरान कार्यकर्ती के ही सचिन जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो भी यहां पर है शायद मगन नाम लिखा हुआ है और साहब सिंह राहुल धीरज तमाम इसमें नाम लिखे हुए अन्य ग्रामीणों के साथ में सचिवालय पहुंचे और तिरंगे बांटने का वहां पर विरोध किया। भाई एक बात बताओ यार, तिरंगे बांटने का कोई विरोध क्यों करेगा? देश का झंडा बांटने का कोई विरोध करेगा? ये अपने आप में लॉजिक नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं या तो झंडे के नाम पर वसूलियां हो रही होंगी या फिर मैटर वही वाला होगा जो कार्यकर्ता बहनों के साथ में वहां पर वो कह रही है कि उनके वहां पर जो है बदतमीजी वगैरह टाइप का किया गया, जिसके बाद जो है वहां पर ये सब मैटर आगे पकड़ बढ़ा। ठीक, रिपोर्ट लिखानी चाहिए तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तो इस तरह से ये सच्चाई अलग है और एक तरफ ये झूठा षड्यंत्र अलग आपको दिखाई साफ सुथरा दे रहा है, क्योंकि यहां पर कोई आकर के अचानक क्यों जो है झंडे वितरण करने का आरोप करने लगेगा? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हो सकती है कारण इसका एक, या फिर जो है उनके द्वारा जो हरकत जो की गई वो हो सकती है। तो जो भी है इसमें इस मामले में ऑल इंडिया तो मांग यही करता है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और सबसे पहले तो उन आरोपियों पर सजा हो और ऐसे प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए जाए जो कि यहां पर रिपोर्ट जिन्होंने दर्ज नहीं की। आखिर क्या वजह थी जो उन्होंने इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और उससे ऊपर क्या वजह थी जो इनका मेडिकल नहीं किया गया? तो ये दो बड़ी कमियां जो पुलिस प्रशासन की वहां पर जो है सामने आ रही हैं, इस मैटर पर भी प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और एक उचित जांच करवानी चाहिए। फिलहाल इस मैटर को जितना ऊपर हो सके वहां पर इसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके ब्लॉक लेवल पर या फिर छोटे मोटे आपके जो है लेवल पर चीजें आसानी से दबंगों के कब्जों में होती हैं, या यूं मान लो जो भी भ्रष्ट अधिकारी होता है उसका सांठगांठ ज्यादातर सबके साथ होता है। एक साफ सुथरा वर्कर या अधिकारी या कोई भी एक्स वाई जेड कर्मी वो ज्यादा मतलब नहीं रखता बाकी चीजों से, लेकिन जो भ्रष्ट होगा उसके पैर ज्यादातर फैले होंगे, क्योंकि वो कर रहा है गलत, उसके ऊपर मिट्टी और पर्दा भी तो डालना है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग बचते फिरते नजर आते हैं और ऐसे ही लोगों को बाकी के भ्रष्ट लोग बचाते नजर आते हैं। तो यहां पर जो कार्यकर्ताओं बहनों के साथ में हो रहा है, आप इस मैटर पर क्या कहना चाहेंगे? ऑल इंडिया फिलहाल यही चाहता है कि मांग जो बहनों ने उठाई है उसको सुना जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए और प्रथम दृष्टया जो एक गलती प्रशासन से हुई है रिपोर्ट ना दर्ज करना और दूसरी यह कि उनका मेडिकल चेकअप ना करना। अब सारे खुलासे मेडिकल चेकअप से हो जाते कि मारपीट हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया, लेकिन इस मामले को पूरा अलग ही रूप दे दिया गया, झंडा फाड़ने या ऐसा ऐसा करके एक मैटर पूरा बना दिया गया और जिसको जो आधार पर में उनको ही जो है गलत ठहरा दिया गया ऐसा, और इसी का ये बहनें वहां पर बाकी की उनकी सहयोगी बहनें विरोध करने पहुंची हैं। इधर ज्ञानमती साहू बहन आती हैं रायबरेली से और आपको हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं आपके यूपी में जो डेट है आधार वेरिफिकेशन वाली वो 31 अगस्त तक हो चुकी है। तो पोस्टर ट्रैकर पर आप सब 31 अगस्त तक अपना 100% लाभार्थियों का फीडिंग के साथ साथ सत्यापन कार्य भी पूर्ण कर लें। पहले यह डेट आपकी 15 जुलाई थी लेकिन वो निकल गई, 31 तक इसको बढ़ा दिया गया। इस बारे में पहले बात कर चुके हैं और ये जिला कार्यक्रम अधिकारी रायबरेली के उनके द्वारा 17 तारीख को लेटर आया, लेकिन इसके पहले मैंने आपको बता दिया पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भी एक लेटर अभी कल या परसों में आपको मैंने दिखा दिया इस बारे में। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की, जो कि उन्होंने ट्वीट किया है कि बाराबंकी के जो 3 ब्लॉक हैं वो अब एलडीए की सीमा में शामिल कर दिए जाएंगे। तो एक ये भी मैटर काफी हाईलाइट हो रहा है, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ट्विटर से ट्वीट भी किया गया है जिसमें उनका कहना है कि बाराबंकी के 3 ब्लॉक हैं एलडीए वो की जो है वो सीमा में शामिल हो जाएंगे। अब इनमें से देखो एलडीए की सीमा में शामिल होने से उनको फायदे क्या होंगे, तो उनके बारे में पहले आप जान लीजिएगा। यहां पर सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बता रहे हैं कि उसके लिए बनेंगे, सड़कों की चौड़ाई एक जो है मानक के अनुसार निश्चित हो जाएगी, सुविधाओं के लिए जमीन का भू उपयोग वहां पर निर्धारित कर लिया जाएगा, विस्तार होने जो है यहां पर मकान बनाने वाले चीजें हैं जैसे कि उन पर भी एलडीए से एक जो नक्शा वगैरह भी पास करना अनिवार्य हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती हैं जो अच्छे के लिए होती हैं। अब देखो यहां पर इनका और भी क्या कहना, जैसे कि मान लीजिएगा मास्टर प्लान अगर बनता है तो ग्रीन बेल्ट हो गया, बस अड्डे हो गए और सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, प्लांट टाइप के परिवहन की सुविधाएं हो गई, स्पोर्ट्स वाले हो गया, पार्क वार्क हो गए, इन सब सुविधाओं को जो है वहां पर उनके लिए जमीन भी चिन्हित हो जाएगी और भविष्य में उन चीजों पर आगे फोकस भी होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज से फायदा होगा और यहां
यहां पर देखिएगा तो ये कुछ चीजें आ रही हैं जो कि इन क्षेत्रों को शामिल करने की तैयारी है। तो यहां पर एक है आपका निंदूरा विकास खंड का संपूर्ण क्षेत्र, बाराबंकी के देवा विकास खंड के सभी गांवों के क्षेत्र, और बाराबंकी के यहां पर बंकी विकास खंड के संपूर्ण गांव व क्षेत्र, और बाराबंकी के नगर पालिका परिषद जो है नवाबगंज पड़ता है वहां का पूरा क्षेत्र, तो ये जो है शामिल करने पर जोर हो रहा है। 5 जुलाई को सीमा विस्तार की जो यहां पर बैठक हुई थी, तो ये बैठक भी 5 जुलाई को पहले हो चुकी है और इसी पर यह सब आगे चर्चाएं हो रही है। अब देखो आगे भाई क्या होता है, जो भी होता है सब अच्छे के लिए है, तो जो भी समझेंगे अपना वो उस हिसाब से करेंगे। तो बाराबंकी के 3 ब्लॉक एलडीए की सीमा में अब वो शामिल होने जा रहे हैं। इधर हम बात करते हैं अगली एक जानकारी की, अनीता गर्ग आती है मुजफ्फरनगर से, और उन्होंने अपने वहां से एक ये वीडियो फोटो टाइप का भेजा है, नीचे लिखा है कि हमारे यहां मुजफ्फरनगर विकास भवन में मंत्री जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं बहनों से वार्ता की है। तो आइए एक फोटो आपको दिखाते हैं जो उनके द्वारा वहां पर भेजी गई है, बाकी आगे चलते हैं और चीजें आपको बताते हैं। ये सूरजकली बहन है जो कि आती है रायबरेली से, बच्चों को पढ़ा रही हैं, और ये हैं सुधा जो कि आती है सिद्धार्थनगर से, अपने बच्चों को वहां पढ़ा रही हैं, और ये हैं सुजाता जो कि आती है संबल से, और उन्हें एक फोटो भेजी है, और इनके अलावा ये है तनवीर जहां जो कि आजमगढ़ से आती हैं, वहां से उन्होंने फोटो भेजी है, और ये एक बहन है जिनका नाम है सरोज सिंह जो कि आती है गाजियाबाद से, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है, और लास्ट में एक बहन है जिनका नाम है सुधा कुशवाहा जो कि कानपुर नगर से आती है, वहां से उन्होंने साड़ी की फोटो भेजी है जो कि उनके वहां पर उनको मिली है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलते हैं। आज का वीडियो